चलिए सेवई बनाते हैं दूध वाली। एक पैन में दूध डालेंगे, 2 लीटर कदी भी दूध है, फुल क्रीम वाला या आधा आधा लीटर के पैकेट वाला है। इसी में 4 पैकेट डाली हूँ, ये डाल दी पूरा। और इस पर गैस को इस समय तेज कर देंगे, फुल आँच में करेंगे इसको, जब तक एक उबाल ना इसमें आ जाए अच्छे से। एक उबाल आएगा तो इसको स्लो कर देंगे। दूसरी तरफ ये बादाम है, 100 ग्राम के करीब होएगा। इसको पानी में 10 से 15 मिनट के लिए फुलो देंगे, फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। यह देखिए दूध में एक बॉयल आ गया है, इसको गैस को स्लो कर देंगे यहाँ पे। और 10 से 15 मिनट पकने के बाद इसमें फिर ये चीनी डालेंगे आधा कप के बराबर। आपको जितना कम ज़्यादा पसंद हो मीठा उतना डाल सकते हैं। इसको चला देंगे, फिर इसमें मावा डालेंगे 100 ग्राम के करीब। ये डालकर अच्छे से मिला देंगे, ताकि जो मावे में गुठली जैसा रहता है वो सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। अब पकने देंगे 10 मिनट तक। फिर उसके बाद इलायची डाल देंगे 6 से 7। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, डालकर इसको भी मिला देंगे अच्छे से। ये सेवई है, ये ऐसे ही भुना हुआ मिला था, 100 ग्राम करीब ये भी है। आप अंदाजे डाल सकते हैं, ज़्यादा डालेंगे तो बहुत गड्ढी हो जाएगी, गाढ़ा हो जाएगा। तो 100 ग्राम करीब या उससे थोड़ा कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। डालकर इसको मिला देंगे अच्छे से और पकने देंगे 5 से 6 मिनट तक। सिलो फ्लेम पे सिलो भी करें और तेज भी करें दोनों तरफ, ऐसे करके फिर गैस बंद कर देंगे 5 से 7 मिनट के अंदर। फिर दूसरी तरफ पैन रखेंगे, ये कढ़ाई है जिसमें आप तड़का देते हो वैसे चीज़ में ऐसे घी डालेंगे। आप डालडा भी डाल सकते हैं। ये गर्म हो जाए तो वो जो बादाम है जो काटे थे इसको देखिए, अब मोटे मोटे टुकड़ों में काटे हैं, आप जैसी इच्छा करें काट सकते हैं। ये डाल देंगे, इसको तलना है मतलब चलाते रहना है ताकि ये जले ना। अब बहुत ज़्यादा देर तक इसको नहीं करना है, हल्का सा कलर इसका चेंज हो जाए बस उतनी देर तक इसको भूनना है। अभी यहाँ पर मखाना डालेंगे, ये देखिए थोड़ा सा मखाना है, ये डाल देंगे। लावा भी बोलते हैं इसको बहुत लोग। ये डालकर इसको भी चला देंगे, चला लेंगे बस थोड़ा सा कलर चेंज हो, बस उतनी देर, ज़्यादा देर तक नहीं जलाना नहीं है इसको, ना ही बहुत ज़्यादा सुनहरा करना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए उतनी देर तक इसको चलाते रहना है। ये देखिए ये हो गया है। अब उसमें इसमें दूध में जो सेवई बनाए हैं उसको इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा दूध जो है लेके इसमें डाल देंगे। ऐसा करने से सेवई जब भी खाएंगे तो सोना सोना जैसी खुशबू आएगी, खाने में भी अच्छा लगेगा। बस बनकर तैयार है। आप बस अभी लास्ट स्टेप बाकी है, ये केवड़ा है। आप रोज वाटर भी डाल सकते हैं, ये केवड़ा एसेंस है, 4-5 बूंद के बराबर इसको डाल दिए हैं। अब डालकर इसको मिला देंगे अच्छे से। बस ये बनकर तैयार है। ये कुछ देर बाद और गाढ़ी हो जाएगी, 10 से 15 मिनट के बाद जब ठंडा हो जाएगा तब और ही गाढ़ा हो जाएगा। देखने में भी और खाने में भी अच्छा लगेगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।